मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो पढ़ा था उसमें हमने तीन मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। वो जो तीन मैकेनिज्म थे वो था स्लाइसिंग मैकेनिज्म, ट्रांसफ़र मैकेनिज्म और हमारा फ्लिपिंग मैकेनिज्म। उन मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद में हमने ये बताया था कि न्यूक्लियोसोम जो है उस न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग किस तरीके से होती है और ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा डीएनए है वो फ्री हो सके और उस पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो अगर हम इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम देख रहे हैं तो रीमॉडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक तो वो तीन मैकेनिज्म वर्क करते हैं, उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स वर्क करते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए को फ्री करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक डीएनए है, मतलब स्ट्रैंड है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, हमारा क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन पार्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ ये जो रेड आपको दिख रहा है ये है क्या है, ये हमारे जीन्स हैं, ठीक है। जीन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकाई पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। जिन पार्ट्स पर कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है या जो रीड किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन पार्ट। ये हमारा कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग मीन्स यहाँ पर कोई सीक्वेंस होगा जिसे हम कोड करके रीड कर पाएंगे, ये एक्सॉन पार्ट कहलाता है। और दो एक्सॉन के बीच में या वो पार्ट जिस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है या हम उसे रीड नहीं कर पाते हैं वो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोन। तो एक्सॉन और इंट्रोन जो है वो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक पार्ट जिस पर कोई कोड प्रेजेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो हमारा एक्सॉन होता है। एक पार्ट इंट्रोन जिस पर हमारा कोई कोड प्रेजेंट नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि जो हमारे एक्सॉन पार्ट हैं जिनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन में किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से वो जीन का एक्सप्रेसिंग हो, इसके लिए हमें क्रोमेटिन रीमॉडलिंग को पढ़ना ज़रूरी होता है। अभी मैंने बताया कि अगर ये रीमॉडलिंग जो है वो बाय प्रोटीन्स होती हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसमें दो मैकेनिज्म को हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है प्रोटीन के थ्रू, एक है कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन। एक्चुअल में ये मॉडिफिकेशन है जो कल हम डिस्कस किए थे मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की फॉर्म में। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, मतलब दिस प्रोसेस मतलब क्रोमेटिन रिमॉडलिंग की प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन प्रोसेस में दो प्रोसेस होना ज़रूरी है, एक है मिथाइलेशन का प्रोसेस और दूसरा है एसिटाइलेशन का प्रोसेस। जो मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप कहाँ ऐड होता है, ये अमीनो एसिड्स जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास H3H4, हमारे पास टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। उसके साथ H1 होता है जो कि डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो H3, H4 टाइप के जो हमारा हिस्टोन ग्रुप है उसका एक एंड होता है एंड, उस पर जो लाइसीन टाइप का अमीनो एसिड है उस लाइसीन अमीनो एसिड्स के साथ में आकर के मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, मिथाइलेशन हो जाता है। तो जब इसका मिथाइलेशन हो गया है हिस्टोन प्रोटीन के लाइसीन अमीनो एसिड्स का, तो मिथाइलेशन की प्रोसेस होने पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जो भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे करते हैं, वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होंगे वो ना तो यहाँ पर इस पार्ट पर आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। अगर वो इस पार्ट पर आकर के नहीं जुड़ेंगे तो क्या नहीं होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारा इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोसोम है वो एज इट इज़ फॉर्म में ही बना हुआ रहेगा, क्योंकि डीएनए फ्री ही नहीं हो पाएगा। और डीएनए फ्री होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन के जो लाइसिन एंड होता है, लाइसिन एंड मतलब लाइसिन अमीनो एसिड्स वाला जो एरिया होता है, उस सिरे पर आकर के
मिथाइलेशन का प्रोसेस हो जाता है, मिथाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी और वो डीएनए के साथ में, यानी ये कंप्लीट जो है प्रोसेस यहाँ पर हो नहीं सकेगी। अगर ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी तो जो हमारा एक्सोन पार्ट है, जिस पर कोई इन्फॉर्मेशन है, जो कोड प्रेजेंट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो जीन किस कंडीशन में हो जाएगा, साइलेंट कंडीशन में हो जाएगा। तो जीन के साइलेंट होने की कंडीशन को हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग, यानी जीन का मौन होना। जीन कब मौन होगा? जब वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं करेगा। इट मीन्स मिथाइलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जीन साइलेंट फॉर्म में रहता है क्योंकि डीएनए फ्री नहीं होता है। अब डीएनए फ्री नहीं होगा, इट मीन्स डीएनए कैसा है, बाइंड किया हुआ है इस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, और उस पर इस तरीके से बाइंडेड फॉर्म में है। और जब ये बाइंडेड फॉर्म में है तो यहाँ पर क्रोमेटीन जो होगा वो कैसा होगा, वो कंडेंस फॉर्म में होगा, संघनित होगा। संघनित में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें लूज टाइट कॉइलिंग होती है, और जब टाइट कॉइलिंग होगी, कंडेंशन ज़्यादा होगा, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हेटरोक्रोमेटिन। और हेटरोक्रोमेटिन जो होता है वो हमारा नॉन जेनेटिकल पार्ट होता है, उस पर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होती और ना ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है। देन जो फर्स्ट, ये तो था मिथाइलेशन का। अब अगर ऑपोजिट में चलें तो वो हमारे एसिटाइलेशन का प्रोसेस होता है। इट मीन्स कि जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो उसका जो लास्ट ग्रुप है उस पर एसिटाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है। लाइसिन अमीनो एसिड्स की जगह क्या हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब ये एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा तो यहाँ पर वो जो कंडेंशन बना हुआ था, वो जो थिकनिंग थी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, और वो लूज होने के कारण यहाँ पर डीएनए जो है वो फ्री हो जाता है। डीएनए धीरे धीरे फ्री होने लगता है तो डीएनए अपने आप को एक्सपोज करने लगता है। अगर डीएनए एक्सपोज करेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के उसके साथ अटैच हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को वो कंप्लीट करेगा। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ गया डीएनए के साथ तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट होगी। इट मीन्स कि जो हमारा क्रोमेटिन था वो फ्री हो जाएगा, फ्री होकर के वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जीन अपने आप को प्रोटीन के बिहाफ पर ही एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेस जो करना होगा वो किस एरिया के अंदर होगा, वो क्रोमेटिन वाले रीजन पर, यू क्रोमेटिन वाले रीजन पर होगा, क्योंकि वहाँ पर वो कलरलेस पार्ट होता है, वहाँ कंडेंशन कम होता है, और जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो कहाँ पर होगा, हमारे यू क्रोमेटीन वाले रीजन मींस एक्सोन वाले पार्ट पर होता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिलकर के दो परफॉर्मेंस करती हैं, एक है मिथाइलेशन की और एक होती है एसिटाइलेशन की प्रोसेस। मिथाइलेशन में जीन साइलेंस रहता है, एसिटाइलेशन में जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके साथ एक हाइपोथेसिस भी है, उसे हम कहते हैं हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस। हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस में क्या होता है कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के थ्रू, और उन प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेसिंग जो होगी वो स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स के होती है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए के को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है मेथाइलेट की और एक होती है एसिटाइलेट की। इट मीन्स ये एंजाइम ऐसे हैं जो कि डीएनए को रीड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिथाइलेट और एसिटाइलेज होगा डीएनए की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे, राइटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोड होगा उस कोड को रीड किया जाने वाला होगा। इसके साथ कुछ एंजाइम जो डीएनए में डी मेथलाइज और डी एसिटलाइज एंजाइम हैं, ये क्या करेंगे, डीएनए की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन पर इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें रीडर्स बोलेंगे, रीड करने वाला बोलेंगे। जैसे इस रीडर की फॉर्म में क्या होता है, कुछ डोमेन्स यानी प्रोटीन्स के साथ में डोमेन्स का ऐड होना होता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल ब्रोमोडोमेन जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, देन क्रोमोडोमेन ये क्या करेगा, ये भी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। और तो ये है हमारे हिस्टोन कोड हाइपोथेसिस, मतलब जो हमारे एंजाइम हैं
वो डीएनए को रीड करने के लिए या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए उन एंजाइम की एक्टिविटी होना ज़रूरी है। जब एंजाइम की एक्टिविटी होती है और रीडेबल होगा तो उसे हम कहेंगे राइटर्स, और अगर रीडेबल नहीं होगा तो उन्हें हम कहेंगे रीडर्स। देन यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पर एटीपी जो है वो यूज़ होता है, एटीपी डिपेंडेंट क्रोमोसोमल या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, ये हम कल डिस्कस किए थे कि दो एंजाइम हैं, एक है एचएटी जिसे हमने कहा था हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और दूसरा था एचडीएसी जिसे हम कहते हैं हिस्टोन डी एसिटलाइज एंजाइम। तो ये दोनों जो एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में मदद करते हैं। होता यही है कि अमीनो एसिड्स के साथ में जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ लाइसिन ग्रुप है अमीनो एसिड्स का, उस पर मिथाइलेशन का प्रोसेस हो जाता है और एसिटाइलेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए एटीपी को एनर्जी देना पड़ता है, इट मीन्स एटीपी से उन्हें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी जो है ये एटीपेज डोमेन एंजाइम की फॉर्म में आती है। अब यहाँ जो एटीपी बन रहा है वो बन कहाँ से रहा है, वाटर का अपघटन के कारण या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण यहाँ पर एटीपेज डोमेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब डोमेन बन रहा है, एटीपी फ्री हो रहा है, एटीपी रिलीज़ हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इस डीएनए को मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा, यानी न्यूक्लियोसोम जो है हमारा, उस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है एटीपी से एनर्जी उसको मिलेगी और ये डीएनए का मूवमेंट होगा, जिससे कुछ पार्ट जो होगा वो फ्री होता चला जाएगा और उस पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता जाएगा। तो ये था हमारा एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, जिसमें दो एंजाइम एचएटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, हिस्टोन एसिटाइल जो है मिथाइलेशन के लिए और एचडीएससी जो है वो एसिटाइलेशन के लिए वर्क करते हैं। ये आज की क्लास के लिए इतने, नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।